सरकार ने नए शिक्षक नियमावली का विरोध करने वाले पर कार्रवाई की बात कही है। जी देखिए, निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं विरोध करने की जो बात कही गई है ये बिल्कुल ही गलत है और ये न्याय संगत नहीं है। आप जान लीजिए कि संविधान ने जो हमें ताकत दिया है, हमें अभिव्यक्ति का ताकत दिया है, आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें फंडामेंटल राइट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप लोकतंत्र की हत्या करके आप बिहार को नहीं चला सकते हैं। आप जान लीजिए कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आर्टिकल 19 का आप साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं। आपने कैसे ऐसा चिट्ठी निकाल दिया कि आप धरना नहीं दे सकते हैं? ये तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप हमला कर रहे हैं। तो आप इस तरह का इमरजेंसी ला के आप बिहार को नहीं चला सकते हैं। आप शिक्षकों पर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। बिहार में शिक्षकों ने आपको काफ़ी वोट दिया था, तब आपको ध्यान नहीं था, आप उन पर इमरजेंसी लगा रहे हैं आज। ये आप जान लीजिए कि आने वाला समय जो है लोकसभा में आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आप जो इतने 58 साल के शिक्षक हो गए हैं, 59 साल के शिक्षक हो गए हैं और उनके लिए आप कहते हैं कि एग्जाम दीजिए, आप बताइए ना हमको कि एक साल बाद रिजल्ट आएगा, 60 साल की उम्र में जो कहिएगा कि रिटायर हो गए तो कैसे एग्जाम देंगे? वो आपको शर्म आना चाहिए कि वैसे वैसे लोगों को आप एग्जाम के लिए बाध्य कर रहे हैं। बाप बेटा एक साथ एग्जाम देगा, ऐसा होता है? देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, गलत बात है। आप आर्टिकल 13 का जो है यहाँ पे उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये न्याय संगत संविधान आप बनाइएगा तो चलेगा। आप शिक्षकों के लिए जो है पूरा का पूरा अन्याय संगत काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक तरह से वादा खिलाफी भी है आपका। आपने पहले कहा कि हम नौकरी देंगे, आज नौकरी देने के बाद इधर पलट गए, इसलिए ना पलटूराम कहता है लोग आपको, पलटूराम की सरकार कहता है, क्यों कहता है आप समझिए बात को। ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि आप अभी भी हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तेजस्वी जी से आग्रह कि आप लोगों ने वादा किया था और वादा को निभाइए, वादा खिलाफी नहीं कीजिए। जो नोटिस निकाली गई उस नोटिस में साफ तौर पर यह लिखा है कि सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो आप पर कार्रवाई। नहीं, ये बिल्कुल ही ये लोकतंत्र की हत्या है, ये न्याय की हत्या करना चाहते हैं, कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी जिस तरह से इमरजेंसी लगाई थी देश में, उस तरह से इमरजेंसी लगाना चाहते हैं और लगा चुके हैं आप शिक्षकों पर इमरजेंसी। ये गलत है, इसका जवाब मिलेगा। और हम तो कहते हैं कि आपको सद्बुद्धि भगवान दे, आपको हनुमान जी सद्बुद्धि दे ताकि आप जो है न्याय संगत काम करें। और जो हमारे बीच जो शिक्षक हैं 58 साल के, 59 साल के, 55 साल के, जो कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, जो अपनी सेवा का एक लंबा अरसा दे चुके हैं, 16 साल, 15 साल, 17 साल, 12 साल, उनको आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए। पहले भी आपने दर्जा दिया, ऐसा बात नहीं है, 1980 में दर्जा दिया, मदरसा में भी आपने ऐसा एग्जाम देने से मना करके बिना एग्जाम दिया आपने उनको राजकर्मी का दर्जा दिया। कई बार आपने ऐसा कई चार चार पाँच पाँच उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। उस वक्त आप नहीं सोचे, आज आप उनके साथ अन्याय करेंगे, ये गलत बात है। एक तो अन्याय कर ही रहे हैं और दूसरा आपने एक मतलब कि आप कानून का फंदा लगाने का प्रयास किया है। कोई नहीं मानेगा, जान लीजिए आप, कोई नहीं मानेगा। डीएम और अन्य अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की आंदोलन पर रोक लगाएं, जो सरकारी कर्मी भाग लेते हैं उन पर कार्रवाई करें। आप जान लीजिए इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाया था और क्या हश्र हुआ इंदिरा गांधी का आपको अच्छी तरह पता है। तो ये आने वाला समय आपको बताएगा कि इस तरह का इमरजेंसी लगाने का जवाब क्या मिलता है। और जनता जागरूक है, हमारे शिक्षक जागरूक है, पढ़े लिखे हैं, उनको सब कुछ पता है कि आप उनके फंडामेंटल राइट पे फंदा नहीं लगा सकते हैं। तो आने वाला समय में इसका जवाब मिलेगा। हम तो अभी भी कहते हैं आपको कि भगवान सद्बुद्धि दे आपको और इस तरह की बातों को आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। इस नीति के खिलाफ अगर शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो बीजेपी शामिल होगी? हम 100% उनके साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? उनके उनके आवाज के साथ रहेंगे। आपने उनके साथ गलत किया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज तक हमने ही दिया है और आगे हम ही देंगे। नहीं देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। 18 साल तो बिना एग्जाम दिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपको आज शिक्षक लोग से कह रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए। कई बार आपने उनसे कई तरह का एग्जाम लिया और आप फिर से कहते हैं कि एग्जाम लेंगे। अरे भाई, जब कौन मना किया था को सवाल पूछने से कि स्टेट में सवाल नहीं पूछे, बीएड में सवाल नहीं पूछे, आप उनसे दक्षता में सवाल नहीं पूछे, सब तरह का सवाल पूछने पर आपने कोई मना किया था क्या आपको? और जब सब तरह का एग्जाम देके जब उनका उम्र 58 साल का हो गया है, 59 साल का हो गया है, तो आप कह रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। आइए, ये जो कहते हैं कि हम जो दिए सो हम ही दिए, क्या कल्याण विघा का जमीन बेच के दिए, अपने घर का जमीन बेच के दिए हैं? यही सरकार का मतलब जनता के पैसे को दिए हैं? ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो इसलिए इस तरह के नियम ला रहे हैं। कौन मना किया था उनको स्टेट में सवाल पूछने से कि ये सवाल नहीं पूछेगा? आप बताइए ना। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने पहले कहा कि 3.5 लाख हम भर्ती निकालेंगे, 3.5 लाख को घटा के आपने 3.25 लाख कर दिया, फिर घटा के उसको 1.75 लाख कर दिया, अब फिर 1.60 लाख कर दिया। तो आपका मनसा भी नहीं है, आपका मनसा भी नहीं है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दें। आप जान लीजिए, अभी 3 दिन पहले हम रोहतास के एक स्कूल में गए थे, आप प्लस टू स्कूल में गए, 60 बच्चे हैं वहाँ पर, एक भी टीचर नहीं है, तो कैसे गुणवत्तापूर्वक आप क्लास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं? 60 बच्चे हैं, सबका रिजल्ट होगा, जान लीजिए। अब कैसे प्रतिकूल स्थिति में पढ़ेंगे वो? एक भी टीचर प्लस टू में नहीं है।
आप कैसे गुणवत्ता की बात करते हैं भाई? आपके आप लगातार रिक्तियों को कम पर कम करते जा रहे हैं। 3.5 लाख आपने कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे, उसको कम करके 3.25 लाख कर दिया, उसके बाद 1.75 लाख कर दिया, अब उसको 1.60 लाख पर करने जा रहे हैं। कल कहिएगा कि हमारे पास गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं आए तो 4-5 हज़ार हम बहाली करेंगे। गलत बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और शिक्षकों का जो शोषण कर रहे हैं, तो हमें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वो बात याद आती है कि जो सबसे निचले पैदान पर जो व्यक्ति है, उसको जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। आप जान लीजिए कि शिक्षकों को आपने आदर्श बनाने के बजाय आपने उनको निचले पदान पर गिरा दिया है। हमारी आपसे आग्रह है कि उनकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बातों को समझिए, मानिए, उनकी उनके विचार को मानिए और उनको ऊंचा बढ़ाइए, तभी हमारे विकास का बात होगा और बिहार के विकास की बात हो सकती है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।